वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मीडियन यानी कि माध्यक। दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में मीन जो है वो सारे मेथड से सीखा था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इस जो वीडियो है, ये जो वीडियो है, इसमें इस क्लास में हम सीखने वाले हैं मीडियन यानी कि मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो उसका जो साइन है वो है एम। एम मतलब मीडियन, मीडियन यानी कि माध्यक। माध्यक आप निकालने वाले हैं और माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस एन बाई टू माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो दोस्तों, ये जो तरीका है, ये जो फॉर्मूला है, ये है मीडियन निकालने का। चलिए हम मीडियन निकालना सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपको फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज़ दिखाई देंगी, तो ये जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, धीरे धीरे करके हम इनको कैलकुलेट करेंगे। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको जो दी गई हैं वो दी गई हैं 30। और यहाँ पर वैल्यू जो है एन बाई टू है, यानी कि आपको एन बाई टू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको एन की वैल्यू को टू से डिवाइड करना पड़ेगा, विच मीन्स 15। चलिए हैं दोस्तों, हमने 15 एन बाई टू निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं हम CF। CF क्या होता है दोस्तों? CF होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मतलब ऐड होती चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, कई बच्चों ने ये परेशानी आती है कई बच्चों को कि वो फ्रीक्वेंसी नहीं पता कर पाते हैं कि F की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान तरीका है F की वैल्यू निकालने का, कि आप ये देखिए, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये जो आपकी निशानी होती है कि ये बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो आप इस तरीके से बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए कि संख्या किन किन चीज़ों की दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम CF कैसे निकलता है। दोस्तों, CF निकालने के लिए एक अलग से आप कॉलम बनाएंगे और इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर है आप उसको एज इट इज़ लिख देंगे और बाद वाले सारे नंबरों में जोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि 5 को मैं 9 में जोड़ूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 14। फिर 14 को मैं 2 में प्लस करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16। 16 को 4 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20। 20 को मैं 10 में ऐड करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 30। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर CF निकल गया सबको ऐड करके। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि जो ये टोटल जो था, इस लाइन का जो टोटल था यानी कि एन की जो वैल्यू थी, क्या वो इस लास्ट वाली वैल्यू के इक्वल है। जी हाँ, अगर इक्वल है तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है, आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं जा रहे हैं। चलिए, हमारी CF की लाइन निकल गई। दोस्तों, अब आपको क्या काम करना है कि आपकी जो ये वैल्यू निकली थी 15 एन बाई टू, ये देखना है आपको कि ये किसके अंदर कवर हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 14 की, 14 के अगर अंदर ये कवर नहीं हो पाएगी क्योंकि जो 15 है वो बड़ा नंबर है और 14 छोटा नंबर है। अगर मैं बात करूँ 16 की, तो 16 जो वैल्यू होती है वो 15 प्लस 1 से बनती है, यानी कि इसके अंदर पूरी पूरी वैल्यू जो है 15 की वो कवर हो रही है। तो आप की जो वैल्यू है ये है 16। तो 16, ये जो CF की वैल्यू हमने निकालनी थी दोस्तों, फॉर्मूले में जो CF की वैल्यू दी हुई है, ये जो हमने नंबर सेलेक्ट किया है इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को हम CF बोलते हैं। तो ये हमारे पास CF की वैल्यू आ गई। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर F की वैल्यू निकालना सीख लीजिए कि जो हमने 16 सेलेक्ट किया था उसके जस्ट सामने वाली फ्रिक्वेंसी की टेबल में जो ये वैल्यू है इसको हम F बोलते हैं, यानी कि F की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास 2। फिर उसी के सामने आप चले जाइए क्लास इंटरवल्स में, तो आपको दिखाई देगा ग्रुप में एक तो लोअर लिमिट दिखाई देगी और एक अपर लिमिट दिखाई देगी। लोअर लिमिट को बोलते हैं L1 और अपर लिमिट को बोलते हैं L2। तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूले में आपको नीड थी L1 की, दोस्तों वो भी आपके पास आ चुकी है, विच मीन्स 20। 20 आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर I की। I जो होता है हमारे पास वो होता है क्लास साइज। तो दोस्तों, क्लास साइज की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलती है, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास आप देखेंगे कि वैल्यू जो है क्लास साइज की आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, ग्रुप इंटरवल में आपको इसकी ग्रुप इंटरवल के क्लास साइज निकालना है, आपको 30 में से 20 को लेस करना पड़ेगा, यानी कि अपर लिमिट जो है यहाँ पर 30 है और जो लोअर लिमिट है वो 20 है। तो जैसे ही आप इसको लेस करेंगे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 क्लास साइज की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों, अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, आपको कुछ निकालने की और फाइंड नहीं करना है, आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकाल देना है। L1 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे n बाई टू जो था हमने निकाल लिया था 15, 15 की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस CF की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ऊपर वाला, ध्यान रखिएगा ये वाला नहीं जो हमने सेलेक्ट किया था वो नहीं, इससे ऊपर वाला। तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 बाई, और F की वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की थी वो भी पुट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम I से, I की जो वैल्यू थी वो 10 थी, तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ गई।
चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 प्लस 1 बाय 2, 15 में से 14 को लेस करेंगे तो 1 बचेगा, और इंटू 10, जैसे ही आप ये कट करेंगे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5, और फिर जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 20 प्लस 5 विच मीन्स 25। तो दोस्तों ये आपका मीडियन आ चुका है 25, इस जो डेटा था आपके पास इस ऑब्जर्वेशन का 25 जो है वो मीडियन है। दोस्तों ये तो था आपका तरीका मीडियन निकालने का। नेक्स्ट जो इसकी जो नेक्स्ट क्लास है मीडियन की, उसमें हम कवर करने वाले हैं कि आप हिडन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। कभी कभार ऐसा रहता है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर वो आपसे कोई भी वैल्यू को छुपा लेगा। लेट से यहाँ पर f की वैल्यू, कोई भी f की वैल्यू दे देगा, या फिर वो x की वैल्यू यहाँ पर आपको बोल देगा कि फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करना है दोस्तों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और कर रखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे बच्चों की मदद हो सके जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा सकते, एटलीस्ट वो घर में बैठकर इन वीडियो को पढ़ सकते हैं, और हो सकता है वो बच्चे आपको दुआएं दें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, टेन्योर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।